देखते हैं हिमालय की चोटी पे पहले कौन पहुंचता है। तुझे तो मैं हरा के ही रहूंगा। टक्कर क्यों मार रहे हो? टक्कर? अरे सबके सब कहाँ रह गए? मूसा कुत्ता! टक्कर मार के गिराने की कोशिश कर रहा है। बस वहाँ पहुँचते ही जीत जाऊंगा। मूसा कुत्ता! आ गए। टक्कर का जवाब टक्कर दे। मुझे गिराता है? अभी देख मैं कैसे मजा चखाता हूँ तुझे। प्रभु मैं आ रहा हूँ। क्यों मूषक राज, पुरानी यादें फिर से ताजा हो रही है क्या? जो सबको राक्षस की तरह टक्करे मार रहे हो? याद है वो दिन जब तुमने सब तरफ तबाही मचा दी थी और मुझसे भी लड़े थे? कैसे भूल सकता हूँ। आंखें खोलो गजमुखासुर, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आपके दर्शन पाकर मेरा तो जीवन ही सुधर गया भोलेनाथ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कोई भी देवता, मनुष्य, दानव या जानवर मुझे हरा न सके। तथास्तु, ऐसा ही होगा गजमुखासुर। लेकिन अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग मत करना, नहीं तो फिर से सब देवता कहेंगे कि शिव शंकर जल्द ही प्रसन्न होकर राक्षसों को वरदान दे देते हैं। नहीं नहीं प्रभु, मैं तो अपनी शक्ति का उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए ही करूंगा। मैं आपका दास हूं, हमेशा आपके आदेश का पालन करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो गजमुखासुर। भोलेनाथ, आप सचमुच भोले हैं। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी गलत काम भी हो जाते हैं। राक्षस जो ठहरा। भगवान विष्णु मंगलम।
भगवान की पूजा कर रहे हो? गज मुखासुर रहे हो? भागो! जाओ राक्षसों, सबको बंदी बना लो। आज से सिर्फ मेरी पूजा होगी। किसी को मत छोड़ना। देवगण, मैं आ रहा हूँ। हाँ, ये क्या? देवगण को भी बंदी बना लो, एक भी देव छूटने न पाए। ओम। भोलेनाथ ने मुझे वरदान दिया है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गणेश बेटा, आज इतने चुप क्यों हो? प्रभु, प्रभु, प्रभु। नंदी, क्या बात है नंदी? भोलेनाथ, भोलेनाथ, देवतागण आपसे मिलने आए हैं, काफी डरे हुए हैं। डरे हुए? प्रणाम भोलेनाथ। दुहाई हो भोलेनाथ, आपके दिए हुए वरदान से गजमुखासुर और भी घमंडी हो गया है। क्या? और वो बिना किसी बात के सब तरफ अपनी मनमानी कर रहा है, किसी पर कभी भी आक्रमण कर देता है। पूछिए, पूछिए वरुण देव से। हाँ, अरे वरुण देव कहाँ रह गए? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए देवराज। गजमुख ने मुझसे वादा किया था कि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा। वरुण देव, ये इन्हें किसने? बुका! अरे ये पहाड़ टूटने की आवाज कैसी? ये देवगण साथ में भूकंप लेकर तो नहीं आए हैं? गणेश, ऐसे नहीं कहते बेटा। अब तो विश्वास हो गया आपको? ये सब कर रहा है आपका चहेता गजमुखासुर। प्रभु आप भी ना, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जिसका डर था वही हुआ। इस गजमुख ने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। आप लोग चिंता ना करें, उसे मैं अवश्य ही सबक सिखाऊंगा। बेटा गणेश। जी पिताजी। उस दुष्ट गजमुख को तुम ही सबक सिखा सकते हो। जाओ, जाओ और उसको उसके बुरे कर्मों की सजा दो। जो आज्ञा पिताजी, आप जरा भी चिंता ना करें, मैं अभी उस पापी की अकल ठिकाने लगा कर आता हूँ। हाँ? मगर प्रभु, ये अकेला कैसे? रुकिए गणेश, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ गणेश, नंदी और गणों को अपने साथ ले जाओ। भोलेनाथ के आशीर्वाद से गजमुख बहुत शक्तिशाली हो गया है, उसे हराने में ये भी तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अरे नहीं माँ, उस राक्षस के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। आप परेशान ना हो, मैं जल्दी ही उसे हराकर आपके हाथों से बने मोदक खाने आ जाऊंगा। वैसे भी लड़ते लड़ते भूख और बढ़ जाएगी। गणेश जी, आप जिद मत करिए, अपनी माँ का कहा मान लीजिए। गजमुख बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ गणेश जी। सब शांत हो जाइए, मुझे गणेश की बुद्धिमानी और शक्ति पर पूरा विश्वास है, ये अकेला ही उसको हरा सकता है। जाओ बेटा, मेरे आदेश का पालन करो। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। अच्छा, तो सारे राक्षस यही हैं।
पहले इनसे निपटता हूँ। मुझे पकड़ो, मैं आओ, 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 आओ। मुझे तो बड़े बड़े शूरवीर देवता और दानव भी नहीं हरा पाए। तुम तो अभी छोटे से बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो मेरा एक राक्षस ही काफी है। गजमुख, तेरे राक्षस दोस्त तो पहले ही मुझसे टकराने की सजा पा चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। नादान बालक गणेश, तुमने मेरे राक्षसों के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। मुझे वरदान है कि कोई भी देवता, मनुष्य या दानव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गजमुख, लगता है खेल बहुत हो गया, अब जरा तुम्हारी अच्छे से धुलाई होनी चाहिए। तुम्हें जो वरदान मिला है मैं उससे परे हूँ, क्योंकि मेरा शरीर आदमी का है और सर हाथी का। नमः शिवाय।
गणपति बप्पा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा क्या? मेरे कान। मेरे कान। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी भी कोई बुरा काम नहीं करूँगा और हमेशा के लिए अपने इस रूप में आपके चरणों का दास बनकर रहूँगा। चलो ठीक है, वैसे भी तुम पर सवारी करके मुझे बहुत आनंद आया। आज से मैं तुम्हें अपना प्यारा सा वाहन बनाता हूँ। क्यों, मुझे फिर से झुलाओगे ना? जैसी आपकी आज्ञा, बस एक कृपा करना, मेरे कान मत खींचना, वैसे ही बहुत लंबे हो चुके हैं। आइए बैठिए। चलो मेरे मूषक राज। प्रभु, दोबारा से वही राक्षस बनने का मन तो नहीं कर रहा है? नहीं 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 प्रभु, मैं ऐसे ही आपके चरणों में रहकर ठीक हूँ। वैसे भी पहले मैं कितना भयानक था, अब तो मैं कितना खूबसूरत हो गया हूँ। एक बार सुर्प दमन नाम के एक राक्षस ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शंकर को खुश कर लिया। हम तुम्हारी तपस्या से खुश हुए हैं सुर्प दमन। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? जय हो भोलेनाथ, धन्य भाग जो आपके दर्शन हुए। मुझे वरदान दीजिए कि मैं अजय हो जाऊं, कोई भी मुझे परास्त न कर सके। तथास्तु। मैं अजय हो गया, अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। अब देवतागण बचकर कहां जाएंगे? शिव जी के इस वरदान से देवलोक पर मुसीबत आ गई। सुर्ख दमन ने देवताओं को हराकर बंदी बनाना शुरू कर दिया। इंद्रदेव बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे। राजा,
राक्षस राज, सब देवताओं को बंदी बना लिया है, सिर्फ इंद्रदेव बच निकले हैं और दक्षिण भारत की पहाड़ियों में जाकर छिप गए हैं। उसको भी ढूंढ कर बंदी बनाओ। मैं कैलाश पर्वत जा रहा हूँ अपने इष्ट देव शंकर जी से मिलने। कहाँ भागे जा रहे हो वरुण देव? अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो रुक जाओ, मैं तुम्हें बंदी नहीं बनाऊंगा। सच? तुम भी और देवताओं की तरह बंदी नहीं बनना चाहते तो मेरा एक काम करो। काम? कैसा काम? मेरे प्रकोप से डरकर इंद्र दक्षिण भारत में कहीं छुप गया है। दक्षिण भारत वासियों ने उसे छुपाकर मुझसे गद्दारी की है, उन्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम वहां मेघ ले जाना बंद कर दो, एक बूंद पानी भी वहां ना बरसने पाए। सूखे से तड़पेंगे तो इंद्र को मेरे हवाले कर देंगे। जैसा मैंने कहा है वैसा करो, वरना तुम भी। मैं मजबूर हूं, इस दुष्ट की आज्ञा माननी ही पड़ेगी। प्रकोप से पूरे दक्षिण भारत में सूखा पड़ गया। वहां की बुरी हालत देखकर ऋषि अगस्त्य का मन भर आया और वो ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए यज्ञ करने बैठ गए। ओम ब्रह्म देवताभ्यो नमः स्वाहा। 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 ओम ब्रह्म देवताभ्यो। ये कौन हमारा आह्वान कर रहा है? ओम ब्रह्म देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ब्रह्म देवताभ्यो नमः स्वाहा। नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मा नमो ब्रह्मा। आपका यज्ञ सफल हुआ मुनिवर, कहिए क्या चाहते हैं? प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रभु, आप इस प्रदेश की हालत देख रहे हैं, पानी की एक बूंद नहीं है। इंसान पशु पक्षी पेड़ पौधे सब नष्ट हो रहे हैं। आप तुरंत कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास जाइए, उनकी जटा से गंगा बहती हैं, वही आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। Thank you.
अरे मूषक, तुम्हारी तो मूछें बन गई। अरे ये तो ऋषि अगस्त्य है। हाँ, ये बहुत ज्ञानी सन्यासी हैं। चुप। आज्ञा दीजिए प्रभु। अब मुनिवर ये जल लेकर दक्षिण भारत जाएंगे। क्यों ना हम भी चले। मैंने दक्षिण भारत का प्रदेश नहीं देखा है। उनसे पूछो, वो हमें साथ ले चलेंगे। पूछने पर तो कभी नहीं ले जाएंगे। हम चुपचाप इनके पीछे पीछे चलते हैं। इतनी दूर तक तो मैं थक जाऊंगा प्रभु। आलसी कहीं का, चल बड़ा आनंद आएगा। पशु पक्षी पानी के बगैर प्यासे मर रहे हैं और मुनिवर आराम करने बैठ गए। मैं तो थक गया चलते चलते। मुनिवर भी थके हुए हैं, कहीं सो गए तो ना जाने कितना समय व्यर्थ हो जाए। हाँ, परंतु हम क्या कर सकते हैं? हाँ, मुझे एक युक्ति सूझी है। तू यहीं बैठकर तमाशा देख। अरे मूर्ख, ये क्या किया? मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, काले मुंह के राक्षस। मैं तुझे श्राप देता हूं।
अरे गणेश जी आप? क्षमा करें मुनिवर, समय नष्ट हो रहा था इसीलिए मैंने आपका कार्य आसान कर दिया। वो देखिए, धन्य हो प्रभु, मुझसे पहचानने में भूल हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं मुनिवर, आपने तो पृथ्वी लोक के भलाई के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। युगों युगों तक ये कावेरी नदी इसी तरह बहती रहेगी और इसका जल प्राणियों को जीवन दान देगा। हो गई है, मुझे नींद आ रही है। बहुत अधिक खाकर आप बड़े आलसी हो गए हैं भैया। हाँ, व्यर्थ की बात है, मैं तुमसे अधिक चुस्त और फुर्तीला हूँ। रहने दीजिए भैया, आप तो मेरे साथ दौड़ भी नहीं पाएंगे। तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते कार्तिक। नारायण नारायण, आप दोनों में से कौन अधिक सक्षम है इस बात का निर्णय तो एक स्पर्धा से ही हो सकता है। कैसी स्पर्धा मुनिवर? आप दोनों ही पूरे विश्व के 3 चक्कर लगा कर आए, जो पहले वापस आकर अपने माता पिता को प्रणाम करेगा वही विजयी घोषित किया जाएगा। नारायण नारायण। पूरे विश्व के 3 चक्कर, मैं मूर्छित हो रहा हूँ प्रभु। मुझे स्वीकार है। मुझे भी स्वीकार है। Hey!
नन्ना मुन्ना बाल गणेश है। लीजिए, विश्व के तीन चक्कर पूरे हो गए मुनीवर। कैसे, आप तो यहाँ से गए ही नहीं। आप तो सब जानते हैं मुनीवर, मेरे माता पिता में पूरा विश्व समाया हुआ है। उनका चक्कर लगा लिया तो हो गया पूरा विश्व का चक्कर। गए नहीं, सचमुच आलसी हो गए आप। इन्होंने आपसे पहले ही विश्व के तीन चक्कर पूरे कर लिए हैं और ये विजयी घोषित भी हो चुके हैं। नारायण नारायण। नहीं, भैया ने जरूर कोई चालाकी की है। चालाकी नहीं, बुद्धिमानी। नारायण नारायण। अच्छा भैया, अगर आप सचमुच दुनिया के तीन चक्कर लगा के आए हैं तो बताइए आपने क्या क्या देखा। सात महाद्वीप, चारों महासागर, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे लंबी नील नदी देखी। और बताऊं? बस बस, आप विजयी हुए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक छोटी सी युक्ति से, परंतु आज मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा छोटा भाई भी कुछ कम नहीं। वास्तव में आज के इस स्पर्धा के सच्चे विजेता तो तुम ही हो।